कारण है। नमस्कार, एबीपी गंगा के खास शो राजनीति को लेकर मैं हाजिर हूं राज किशोर। नेताओं की सियासत हमारी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होती है, शायद होनी भी चाहिए, इसलिए हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं। लेकिन आज राजनीति में बात उस सियासत की जिसने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी की एक बेटी वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, पूरा प्रशासन पूरी सरकार उसकी जान बचाने का दम भरता है, उसे इंसाफ दिलाने का दावा कर रहा है। जिस एक्सीडेंट ने यूपी की उस बेटी को वेंटिलेटर पर पहुंचाया, वो एक्सीडेंट एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो मासूम बेटी चीख रही है इंसाफ के लिए, तड़प रही है जिंदगी के लिए, क्योंकि उसके सवाल भी तो इसी सरकार, इसी प्रशासन, इसी सीबीआई को लेकर है। सत्ताधारी भाजपा का ही एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उस बेटी की आबरू लूटने के इल्जाम में जेल में है, और अब हादसे की पूरी कहानी उसी भाजपा विधायक की साजिश का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें पीड़िता को मौत के मुहाने पर पहुंचाया गया। एक अहम गवाह को मौत के मुंह में पहुंचाया गया और पीड़िता का वकील भी गंभीर हालत में अस्पताल में है। सवाल यह है कि जब रेप कांड की जांच सीबीआई कर रही थी, जब वो बेटी सरकार और प्रशासन को बार बार चिट्ठियां लिखकर विधायक और उसके परिजनों से मिल रही धमकी के बारे में आगाह कर रही थी, सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, तो कैसे हो गया ये जानलेवा एक्सीडेंट, जो असल में किसी साजिश का हिस्सा निकले तो हैरानी नहीं होगी। अस्पताल में वेंटिलेटर पर पड़ी उस मासूम और पूरे प्रदेश का सवाल यही है कि विधायक की धमकी के बावजूद रेप पीड़ित की गुहार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और सवाल यह भी यूपी सरकार और प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अफसर तक पीड़ित के गुनाहगार क्यों ना माने जाएं, और क्या उन्नाव की उस बेटी को दो दो सीबीआई जांच दिला पाएंगे इंसाफ। इन्हीं गंभीर सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर सीबीआई के अफसरों की ऐसी चहलकदमी 2 साल पहले भी थी। तब उन्नाव के माखी गांव की एक पीड़िता अपने खिलाफ हुई नाइंसाफी को लेकर आवाज बुलंद कर रही थी एक रसूखदार विधायक के खिलाफ। अब 2 साल बाद एक बार फिर सीबीआई चहलकदमी कर रही है, क्योंकि उन्नाव की ही पीड़िता की आवाज बंद करने की कोशिश की गई है, और अब इसी की जांच करने सीबीआई रायबरेली पहुंच गई है। हालांकि ये दूसरी जांच है, इससे पहले रेप केस की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन ये जांच हादसे या फिर किसी साजिश की संभावनाओं का पर्दाफाश करने के लिए है। हालांकि सरकार के दावों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। सपा समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रही हैं। वहीं पीड़ित परिवार का भी साफ साफ कहना है कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये हादसा उन्हीं के इशारे पर किया गया है। इससे पहले भी विधायक पर केस वापस लेने का दबाव डालने के लिए धमकी देने का आरोप है, जिसकी शिकायत लगातार पीड़ित परिवार कर रहा था, मगर किसी ने सुना नहीं। जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जितनी भी माताएं बहने हैं उन्हें झकझोर दिया है। क्या आज के समय में भी ऐसी चीजें होना संभव है कि जहां बेटी अपने न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए अगर वो जा रही है, पुलिस से मांग कर रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। उसके पिता की हत्या पुलिस की निगरानी में हुई, पुलिस जानती थी, पुलिस की पिटाई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पिटाई, उसकी पिता की जान गई। अखिलेश यादव जहां इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर पर ही इसे लेकर हमलावर हैं। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार की हत्या का प्रयास और मुकदमों की वापसी हेतु विधायक की धमकी का आरोप काफी गंभीर मामला है, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लिया जाना अति स्वागत योग्य है। बीएसपी माननीय कोर्ट का थैंक्स अदा करती है, इससे पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अभियुक्त विधायक को सत्ताधारी बीजेपी का लगातार संरक्षण रहा है, ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है। यही कारण है किसी न किसी बहाने रेप आदि का ये केस
सीबीआई के पास होने के बावजूद काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है व जिस कारण पीड़िता स्वयं नए हादसे का शिकार होकर मरणासन है। इस पूरे मामले में पुलिस पर भी बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पुलिस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब सीबीआई न केवल विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ कर सकती है बल्कि पीड़ित को दी गई सुरक्षा के तौर पर गनर से भी पूछताछ करने वाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की चिट्ठी पर गौर फरमाया है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगी अब तक कानों में तेल डाले बैठी पुलिस अब सब कुछ दुरुस्त करना चाहती है। मैं ये देखने आया था कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अच्छा। दूसरा, जो एसपी साहब जांच कर रहे हैं इनकी, कितने सुरक्षाकर्मी लगे थे नहीं लगे थे, उस संबंध में मैं पूछने आया था कि इन परिस्थितियों में वो लोग नहीं गए थे, तो ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा। एक थोड़ा सा आराम से करो और उसकी एसपी साहब विस्तृत जांच करके देंगे, जैसे जांच होगी वैसे अवगत कराया जाएगा। उन्नाव केस पीड़िता को इंसाफ का मौका मिलेगा या नहीं, ये ऊपर वाले पर है, क्योंकि वेंटिलेटर पर पड़ी जिंदगी हर पल इंसाफ से दूर होती जा रही है और इस पूरे मामले में गरमाई सियासत इंसाफ की इस लड़ाई को घुमाने में जुटी है। लेकिन सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इंसाफ को नई जिंदगी दे पाएगी, इसका इंतजार करना होगा और ये वक्त पीड़ित को मिलेगा या नहीं ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। सवाल यही है कि विधायक की धमकी के बावजूद रेप पीड़ित की गुहार पर कार्रवाई क्यों नहीं। यूपी सरकार और प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अफसर तक पीड़ित के गुनहगार। उन्नाव की बेटी को दो दो सीबीआई जांच दिला पाएंगी इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बात की पीड़िता के रिश्तेदार से। पीड़िता के परिवार का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। एबीपी गंगा पर पीड़ित के परिजन आई हर स्तर पर हो रही, अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए, ये वही घाट है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो पीड़िता है उन्नाव कांड की, उसकी चाची का यहाँ पर जो मृतक अभी हादसे में हुई थी उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पेरोल पर बाहर आए पीड़िता के चाचा ने अंतिम संस्कार किया यहाँ पर और इस समय पीड़िता के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में, हम सीधे उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर अभी उनके चाचा भी आए थे, आपके रिश्तेदार लगातार एक ही बात कह रहे थे कि विधायक ने पूरे परिवार को ख़त्म करवा दिया। जी सर, विधायक ने साजिश रच के सारा परिवार तो ख़त्म करा ही दिया, वो तो पूरे देश को दिख रहा है सर। आज सारे सरकार यहाँ की प्रशासन आज मदद वो करे होती मदद तो आज मेरा परिवार जिंदा होता। तो कहाँ पर लगता लापरवाही हुई जो ये सब हुआ, सुरक्षाकर्मी साथ ना जाना, क्या खुद वो लेके नहीं गए थे, क्या बात है सर? यहाँ पूरी लापरवाही है, ये उन्नाव, ये थाना, ये जितना ये यहाँ का उन्नाव का है सब कहीं लापरवाही है सर। एक बात आ रही है कि जो आपकी रिश्तेदार थी जो इस समय पीड़िता है उनका भी इलाज चल रहा है, कहा जा रहा है कि जो सुरक्षाकर्मी उन्हें मुहैया कराए गए थे उनको वो खुद लेकर नहीं गई थी अपने साथ। सर ये जानकारी हमें नहीं है, ये तो वही जाने दोनों लोग, एक तो मर गई वो कुछ बता नहीं सकती है, ये वही जाने कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ नहीं थे तब। एक बात आ रही है कि लगातार आपके परिवार को धमकी दी जा रही है, उसकी भी शिकायतें आप लोग कर रहे हैं? जी सर, धमकी तो बहुत 9-10 महीने से आ रही है, जब से चाचा को जेल कराया गया झूठों आरोपों में, जब से धमकी आ रही है कि जो अपना केस वापस ले लो। जब पीड़िता आती थी बयान देने तो उसको कोर्ट के पास धमकी दिया जाता था सर, जब कोई नहीं रहता था कि अपना केस ले ले। अभी तो चाचा को जो है अंदर करा है, अभी तो वो लटकाना बाकी है और तेरे को जो है अभी तो मारना बाकी है, ये सारे लोग धमकी देते थे सर। अब आप लोग की सुरक्षा जो है वो कितनी मजबूत है, कितनी सुरक्षा आप लोग को लगता है मिली हुई है? सर हमारी सुरक्षा कुछ मजबूत नहीं है सर, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए अब, हमको बस यही सरकार से चाहिए कि हमारे महेश जी को बाहर किया जाए, झूठे आरोप ख़त्म किए जाएं, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं ये ख़त्म किए जाए और जो मृतक है उसको जो है उसके परिवार को जो है कुछ मुआवजा कराया जाए सर और उसकी मदद की जाए, बस हमको यही मांग है बस। अभी आप लोग अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से सर लखनऊ जा रहे हैं हम लोग, अब लखनऊ से दूसरी बॉडी लेंगे, अब अभी लेंगे या तो रात में लेंगे या तो सुबह निकालेंगे सर, अभी जस परिस्थिति होगी वस करेंगे सर। परिवार में कोई और बचा है जो घर का पालन पोषण कर सके? नहीं सर, कोई नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-9 बच्चे हैं, सब
कोई नहीं बचाया। अब अकेले महेश जी हैं, वही हैं करने वाले, और तो सबको मार दिया। पिछले साल बाप को मार दिया, अब की साल चाची को मार दिया, मौसी को मार दिया, सबको तो मार दिया सर। अब क्या बाकी है? अब महेश जी बचे, उनको अंदर कर रखे हैं, अब कौन कहाँ जाएंगे ये बच्चे। तो यहाँ पर हम सीधे सुन रहे थे कि पीड़िता के परिजनों को, जिनका साफ तौर पर कहना कि पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है, परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उनके घर को पाल पोस सके, भरण पोषण कर सके, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है। और सरकार से अब ये मांग है, पीड़ित जो पूरे परिजन है उनकी सिर्फ ये मांग है कुछ मुआवजा दिया जाए और जो चाचा जेल में बंद है उनको बाहर किया जाए, ये लगातार मांग है। जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनानी पड़ती, वैसे ही जो बेबसी और कमजोर होना कई बार इस समाज में लगता है गुनाह हो जाता है। बातें होंगी मजलूमों के साथ लेकर चलने की, बातें होंगी महिलाओं को साथ लेकर चलने की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, लेकिन ये आपने अभी कुछ चीखें सुनी, आपने कुछ गुहार सुनी और एक बेबसी एक किस तरीके की आपने देखी, तो ये सच्चाई है हमारे समाज की, उत्तर प्रदेश की। इस चर्चा में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, लखनऊ से हमारे साथ हैं पूर्व IPS अधिकारी उमेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह, नोएडा से हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान, और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा समर्थक जितेंद्र यादव, और उन्नाव से हमारे साथ हैं पीड़ित परिवार के वकील अजय अवस्थी। आप सबका स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मनीष शुक्ला जी मैं आपसे लूँगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने अभी सुना होगा हमारे संवाददाता ने बात की जो एकमात्र वहाँ पर महिला मुँह ढक कर जो बात कर रही थी, उसको मुँह ढकनी इसलिए पड़ रही है कि मुँह इसलिए ढकना पड़ा कि उसको जान का भी खतरा है और हम उस तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं कि महिलाओं को बराबर हक देंगे, लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है, ये आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर है? वो गुहार कर रही है कि उसको उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद नहीं है, वो दिल्ली आने की बात कर रही है, ये कितना बड़ा सवाल है आपके लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स जो दूसरी पार्टी में होता है उसको आप लेकर आते हैं, जीत कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है भाजपा के लिए कि बाहर से आप लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद आप जानते हैं चूंकि आपकी जीत के लिए वो बहुत जरूरी है, आपकी राजनीति के लिए जरूरी है, तो उस पर इस तरीके की जो घटनाएं लगातार होती चली जा रही है उसके ऊपर कुकर्मों पर पूरी तरीके से आप पर्दा भी डालते हैं और उसके बाद जब नहीं बचते तब आप पार्टी से निकालने की खाना पूर्ति करते हैं, तो पार्टी विद डिफरेंस की का दावा करने वाली बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेगी? यह आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है या नहीं है? देखिए 18 अप्रैल 2018 को कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी के पश्चात उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उस समय भी जो परिवार की मांग थी उस मांग को पूरा किया गया था, CBI जांच की गई, 10 सुरक्षा कर्मियों को उनको दिया गया था, और जो परसों नरसों जो दुर्घटना हुई है उस घटना के पश्चात कोई भी दोषी बच न पाए इसके लिए फॉरेंसिक जांच कराई गई, CBI जांच की संतुति कर दी गई, CBI ने जांच करना शुरू कर दिया है, 302, 307, 506, 120B के मुकदमे कायम किए गए हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट सुचारू रूप से हो सके इसके लिए स्वयं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की मंत्री ने वहां ट्रामा सेंटर पर दौरा करके इसको सुनिश्चित किया है। अर्थात दुर्घटना के पश्चात जो भी आवश्यक कदम हो सकते हैं हमने उठाया है। और रही बात उनकी कि यूपी के बाहर सुनवाई हो तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि न्यायालय से न्याय के लिए कहीं भी वो मांग कर सकती हैं और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कि उस केस को ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं। मनीष जी ये अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, यह आपके इकबाल पर प्रश्न है, आपकी निष्पक्षता पर प्रश्न है, आपकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। और मुझे बताइए कि आपकी बात पर भरोसा किया जाए या आपके जो मंत्री या उप मुख्यमंत्री जाते हैं उस पर भरोसा किया जाए, या जो उस परिवार के साथ हुआ कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाता, सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा हुआ है जिसको बाहर निकालने की गुहार की जा रही है। आप कह तो कुछ भी रहे हैं लेकिन जो हो रहा है वो वास्तविकता है, आप जो कह रहे हैं वो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटना के पश्चात इतिहास में भी किसी भी सरकार ने इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं। किसी भी दुर्घटना के बाद 24 घंटे के अंदर CBI जांच की इंक्वायरी, संतुति, फॉरेंसिक जांच टीम का गठन, जेल में जाके उनके चाचा से FIR लेके 10 लोगों के ऊपर नामजद हत्या का प्रयास, 506, 120B के मुकदमे कायम हुए हैं। एक IPS भी आपके पैनल में है, हमको लगता है वो भी तस्दीक करेंगे कि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति के आरोप मात्र पे
हत्या का मुकदमा कायम हुआ है, तो हमको लगता है कि हमारी सरकार ने जो कदम उठा सकते हैं दुर्घटना के पश्चात हमने उठाया है। पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी ने उनको उसी समय निलंबित कर दिया था। ठीक है मनीष जी, पार्टी ने निलंबित कर दिया था और सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई की, लेकिन घटना हो जाने के बाद पहले पुलिस के सामने चाचा को मारा जाता है, पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वो लड़की लगातार गुहार करती रहती है बचाव के लिए, उसको सुरक्षा नहीं दी जाती, उसके बाद पूरा परिवार आज की तारीख में साफ हो जाता है। लेकिन आप कार्रवाई कर रहे हैं, शायद कार्रवाई ऐसी होती होगी। अच्छा, उनको 10 पुलिसकर्मी दिए गए, कहां चले गए वो 10 पुलिसकर्मी दिए गए, 7 उनके आवास पे थे, 3 उनके साथ चलते थे। उस दिन गाड़ी में स्थान नहीं होने के नाते उन्होंने स्वयं मना किया कि आप लोग न चलिए। चलिए ठीक है, और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि चूंकि कोई सुरक्षा कर्मी जब साथ नहीं चलता है तो उसको अपने नजदीकी पुलिस लाइन में आमद करानी पड़ती है। SP उसकी जांच कर रहे हैं, अगर आमद नहीं कराई होगी, उसका कारण नहीं दिया होगा, तो उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई वैसे काफी सख्त हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं मनीष जी। योगी आदित्यनाथ के शासन में बहुत कार्रवाई हो रही है, हमको साफ दिखाई पड़ रहा है। खैर, राजेंद्र अवस्थी जी पीड़िता के वकील हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अवस्थी जी, जो बात मनीष शुक्ला जी कह रहे थे, मैं आपसे इसके कानूनी पहलू समझना चाहता हूं, और इसका सामाजिक पहलू तो सबके सामने है, परिवार साफ हो चुका है और किस तरीके से गुहार लगातार लड़की लगाती रहती है, लेकिन आज भी वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है। इस पूरे केस की मेरिट जो बात बता रहे हैं मनीष शुक्ला जी कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया गया कि जैसे उनका आरोप लगाया, हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन अगर आप वकील के नाते और उस परिवार के वकील के नाते आपसे उस परिवार पर क्या गुजर रही है, चूंकि वो लगातार आपके साथ संपर्क में है, और दूसरी बात, क्या आपको वाकई लगता है कि शासन प्रशासन ने उपयुक्त कार्रवाई की थी? सब लोगों को नमस्कार करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मुझे आज एक अधिवक्ता को अपनी बात आपके इस देश विख्यात चैनल पर रखने का मौका मिला। जैसे ही पीड़िता के पिता की मृत्यु, किसान था, उसको किसान दुर्घटना जीवन बीमा के 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। सम्माननीय महोदय, किसान दुर्घटना बीमा के 5 लाख रुपए उसको नहीं मिले। पारिवारिक पेंशन में उसकी विधवा को श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 75,000 रुपए मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। उनका घर देख लीजिए, पूरे देश के चैनल उनके घर को दिखा रहे हैं। उनके घर में पशु एक कोने से घुसते हैं, दूसरे कोने में घुस जाते हैं, उनका घर बिल्कुल गिरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना उनको नहीं मिली। एक ये इम्पोर्टेंट बात है जिसको पूरी जनता देख रही है। दूसरी चीज पर मैं आ जाऊँ जी, बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मानित पुलिस अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। सर, एक बहुत बढ़िया बात, जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ पीड़िता के गैंग रेप वाली जी, एक उम्र का आयु का प्रमाण पत्र कुलदीप सेंगर द्वारा दिया गया कि यह पीड़िता बालिग है, उस प्रपत्र को CBI ने कलेक्ट कर लिया। दूसरा प्रपत्र पीड़िता के चाचा के द्वारा दिया गया, उस प्रपत्र को CBI ने कलेक्ट कर लिया। कुलदीप सेंगर द्वारा पीड़िता की आयु का जो प्रमाण पत्र अपने इंटर कॉलेज वीरेंद्र सिंह निकेतन के द्वारा दिया गया, CBI ने उसको फर्जी पाया। पीड़िता के चाचा ने जो TC सर्टिफाइड जनसूचना से प्राप्त करके CBI को दिया, CBI ने कहा नहीं, इसमें भी मैट्रिकुलेशन मैनिपुलेशन है, कुछ अव्यवस्था है, कुछ इसमें सफेदा फेदा लगा हुआ है। तीसरा, CBI ने स्वयं अपने के द्वारा जो पीड़िता की आयु का प्रमाण पत्र ग्रहण किया उसमें पीड़िता नाबालिग थी। यहाँ तक सब ठीक था। आदरणीय पुलिस अधिकारी महोदय, आपके लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है, मैं तो आज तक सीख ही नहीं पाया। इसी बीच में ये CBI की विवेचना में ये आरोप पत्र माननीय न्यायालय ADJ CBI के यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया कि इन लोगों ने जो फर्जी कागजात दिए हैं इनको आगे देखा जाएगा। नहीं, रुक जाइए, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जी जी, जैसे ही ये पेपर दिया गया, पेपर देने के उपरांत कुलदीप पक्ष के द्वारा एक मुकदमा पीड़िता के चाचा, पीड़िता और पीड़िता की मां पर लगाया गया कि आपने CBI को जो डॉक्यूमेंट एज का दिया ये फर्जी है।
इसके तुरंत बाद पीड़िता के चाचा ने भी ऐसी ही सेम एप्लीकेशन दी। पुलिस ने मुकदमा लिखा कि कुलदीप ने अपने विद्यालय के द्वारा जो पीड़िता की आयु का प्रमाण पत्र दिया ये फर्जी है। दोनों मुकदमों में चमत्कार हो गया। उन्नाव पुलिस के विवेचना अधिकारी ने पीड़िता के चाचा अजेंद्र जी जो बात आप कह रहे हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल है, माँ के ऊपर जो आपसे बात कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मैं सीधे जनता को यह समझाना चाहता हूँ। देखिए कोर्ट में तो केस आप रखेंगे, परत दर परत आप खोलेंगे, आप विद्वान वकील हैं उसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ जो बात हो रही है कि सरकार और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे केस में दखल दे रहा था, इस केस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसके क्या सबूत है, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। सर अगली लाइन में वापस वहीं से मुझे जोड़ लीजिए। पीड़िता की जो आयु का प्रमाण पत्र कुलदीप सेंगर ने दिया उसमें पुलिस ने कुलदीप सेंगर को मुलजिम नहीं बनाया जी, और कुलदीप सेंगर ने जो मुकदमा इनके ऊपर लिखाया पीड़िता पर, पीड़िता के चाचा पर और पीड़िता की माँ पर, उसमें पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया कि आपने फर्जी पेपर दिया, कुलदीप सेंगर का नाम बाहर कर दिया, ये सरकार है। पीड़िता के सब लोगों पर चार्जशीट लगा दिया, परसों 2 तारीख को इनकी पेशी है, ये सरकार है। अगर आप लोग माफी चाहते हुए मुझे माफ कर दें तो अमिताभ बच्चन जी की 15 साल पहले एक पिक्चर आई थी सरकार, आप लोग देख लेंगे, ये मुकदमा से वैसे ही निकल आएगा। ठीक है, मैं समझ गया जैन जी, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि आपने इसकी परत दर परत सारी चीजें खोली, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि किस तरीके से दखल दिया उनके ऊपर ये सारी चीज, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है इसको किस तरीके से, ये दुर्घटना बात जैसे अभी मनीष शुक्ला की बात से लग रहा था, नहीं मेरा इसमें संशोधन है जी, ये दुर्घटना नहीं है जी। आप एक मोटी बात समझिए, महेंद्र सिंह हमारा वकील जो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है, हर मिनट में हम लोग जी रहे हैं, हर मिनट में हम लोग मर रहे हैं, ये कुलदीप के पड़ोस में रहता है जी। इसकी गलती इतनी है कि संडे का दिन था, पीड़िता के पूरे परिवार को लेकर ये गांव से निकला जी, गांव के लोगों ने देखा कि पूरा वकील, वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकी चाची, सब लोग जा रहे हैं, अन्याय हो गया। अरे अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय कीजिए। मैं अभी अंत्येष्टि से लौटा हूँ, मेरे नहीं पूरी जनता, जो पुलिस व्यवस्था वहाँ थी, 1000 सिपाही वहाँ था, उनके आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। न्याय कीजिए, भगवान सबके साथ न्याय करेगा। आज ये रो रहा है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लग गया है, मैंने सुना है, न्याय होगा, कल होगा। मैं बहुत भावुक हूँ, अन्याय हो रहा है, मैं अपने सामने अपने वकीलों को मरता हुआ देख रहा हूँ। मेरा दुखद स्थिति समझिए क्या है, मेरे पास पेपर दस्तखत करने वाला कोई आदमी नहीं है। मैं उस पीड़ित परिवार को छुड़ाना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी जेल में बंद है। पीड़ित परिवार को लखनऊ उन्नाव के मुकदमे में रायबरेली में बंद कर रखा गया है, इनको अविलंब रूप से आप उन्नाव जेल स्थानांतरित कराइए। इनके घर में 5 साल का एक बच्चा और पीड़िता वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई है नहीं, केवल एक पीड़ित का चाचा और उसका एक 5 साल का बच्चा बचा है। क्या होगा, रहम कीजिए, हमने सुना है सरकार के 1000 हाथ होते हैं, इनके साथ न्याय कीजिए। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून तो समाज से चलता है, समाज को वो उदाहरण दिखाइए कि लोग कहें न्याय हो रहा है, केवल बातें ही बातें हो रही हैं। ये तो वो हाल हो गया, कसमे वादे प्यार, सर बहुत भावुक हूँ जी। मैं समझ सकता हूँ उज्जैन जी, आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ, आप तो वहाँ भुक्त भोगी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में शबनम जी बैठी हुई हैं, वो तो वहाँ अंत्येष्ट स्थल पर नहीं गए थे, लेकिन जब आप ये पूरी कहानी बता रहे थे, कहानी क्या जो पूरी घटना है उसका जब आप व्याख्यान कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों में भी आंसू हैं, वो भी द्रवित हो रही हैं, और निश्चित तौर पे जो भी मनुष्य है वो इस तरीके की घटना जिसमें पूरा परिवार साफ हो जाता है और सत्ता तंत्र, प्रशासन तंत्र अब अपनी पीठ उसके बाद भी थपथपाता रहता है, तो क्या इसको कहा जाए। शबनम जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके क्या दिल पर गुजर रही है, मैं पहले तो आप पानी पी लीजिए प्लीज़, और मैं आपसे, आपके बाद उमेश सिंह जी के पास भी जाऊंगा, इसके कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर जाऊंगा, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक महिला जो संघर्ष कर रही थी, रेप की विक्टिम है, उसके साथ सबसे बड़ी त्रासदी होती है जो किसी भी एक महिला के साथ होती है, उसके बाद भी वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है, और सत्ताधारी दल का होने के नाते जिस तरीके से जेल में रहकर भी इस तरीके का पूरा एक नेटवर्क के तहत ये सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं, जो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, क्या कहेंगी इस पूरे घटनाक्रम में, क्या दिल पर आपके गुजर रही है? राजकिशोर जी, आप पर हम तो सिर्फ सुन रहे हैं जी, हम पीड़ित नहीं हो रहे, हम सिर्फ यहाँ पर सुनकर उनकी पीड़ा का अनुभव ही कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो प्रताड़ित किए जा रहे होंगे उनका दर्द मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। कि एक तो आपको इतनी बड़ी हस्ती से लड़ना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वो सब संसाधन नहीं है
कि आप आ जा सकें, दौड़ भाग कर सकें। ये तो वकील साहब का भी शुक्रिया कि वो लड़ रहे हैं उनका केस, और शायद मुफ्त ही लड़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके पास तो शायद उनकी फीस देने के भी पैसे नहीं होंगे। आप और हम यहाँ दर्द महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद, आपने मेरी पीड़ा को समझा। आप और हम राजकिशोर जी उनका दर्द समझ पा रहे हैं, क्या सरकारें उनका दर्द नहीं समझ पाती हैं? जरा सा उन्होंने पीड़िता के बारे में बताया और आपका और हमारा कलेजा छलनी छलनी हो गया। तो ये जो सरकार में बैठे होते हैं प्रशासनिक अधिकारी को, अभी आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह से जवाब दिया जब ये पूछा कि वो जो सिक्योरिटी में थे उनके साथ उनका क्या जवाब है। नहीं नहीं, अभी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। नहीं नहीं, अभी वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। तो ये व्यवस्था है क्या? एक प्रशासनिक अधिकारी अपने नीचे वाले जो सिक्योरिटी में दे रखे थे उनसे जब पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे थे आप उस टाइम, दस दस बता रहे, दस सिक्योरिटी वाले दे रखे थे, वो दस के दस नदारद थे, दस में से एक भी साथ नहीं गया। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं इतना तकलीफ सोच पा रही हूँ उस पीड़िता की कि वो अस्पताल में पड़ी है, उसकी बहन लड़ाई लड़ रही है, वो भी लड़की है, और वो कह रही थी, गुहार लगा रही थी कि प्लीज सरकार हमारे को थोड़ी कुछ प्रोवाइड करे, कुछ पैसा दे, कुछ तो हेल्प की जाए। तो मैं भी, मेरी भी यहाँ से जो भी मदद हो पाएगी, मैं आपके माध्यम से राजकिशोर जी कह रही हूँ, मैं भी वहाँ पहुँचकर जरूर उनकी मदद करूँगी। ठीक है शबनम जी, देखिए कुल मिला के बात जब होती है, किसी परिवार की बात नहीं, जब इस तरीके की घटना होती है तो ये लगता है कि हमारा आपका और समाज किस तरफ जा रहा है, और क्या वाकई अगर अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा होना चाहता है, और मैं कहता हूँ कि दो परिवारों के बीच व्यक्तिगत लड़ाई भी है, तो क्या इस तरीके से लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी या सड़कों पर पूरी तरीके से सफाई हो जाएगा? खून बहा देंगे जी, बिल्कुल, इस तरीके से उसका बलात्कार कर देंगे, इस तरीके से आप उसके पूरे परिवार को मरवा देंगे। बिल्कुल, व्यक्तिगत लड़ाई भी है तो लड़िए ना, कानून है हमारे देश का। बिल्कुल, कानून वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो उसी के विधायक है, मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी, वैसे तो हमेशा संविधान की बात करते नजर आएंगे आपको। आप अभी कैमरा लगाइए, नख से शिख तक आपको सब संविधान दिखाते नजर आएंगे। फिर संविधान कहाँ चला गया? फिर भी तो संविधान था ना, आपको कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी थी, चाहे आपसी कोई भी विवाद हो हमारा। आप बलात्कार करेंगे, पीड़िता को मरवाने की कोशिश करेंगे, परिवार भी साफ हो जाए, पूरा परिवार मर चुका है, कौन है उनका सहारा? बिल्कुल शबनम जी, मैं जो बात आप कह रही थी और जो वकील साहब ने जो बात कही, हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उमेश सिंह जी भी बैठे हुए हैं। उमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आपने इतने ज्यादा केस आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं, ये जो पूरी कहानी बताई जा रही है कि उनको सुरक्षा भी दी जाती है, एक दुर्घटना भी हो जाती है, मतलब एक पत्रकार होने के नाते और एक आम आदमी जिससे भी मेरी बात हो रही है, किसी के गले नहीं उतर रही है, और जिस तरीके के ये तर्क दिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या वाकई ये मतलब समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो एक बार तुलसीदास जी लिख के चले गए तो इसको सत्य मान लिया जाए, संविधान कानून सब पर जो है जिल्द चढ़ाकर उसको रख दिया जाए, क्या माना जाए इसको? मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक सुरक्षा कर्मियों की बात है, जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, स्टैटिक गार्ड लगाई गई थी और 3 गनर दिए गए थे, तो आज की तिथि में पहले भी नेता से लेकर अभिनेता तक और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के प्राइवेट आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अगर पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है तो उसे साथ लेके ना चले। एक ये स्टेटस सिंबल हो गया है। ऐसे में ये बात मान लेना कि 3 गनर दिए गए थे, जो हमेशा 8-8 घंटे की ड्यूटी अगर करते तो लगातार उनके साथ रहते, एक गनर बैठाने की जगह गाड़ी में नहीं थी, ये कतई उचित नहीं प्रतीत हो रहा। बिल्कुल, स्टैटिक गार्ड दी गई थी, वो हो सकता है कि घर पे हो, और इन गार्ड को चेक करने का और गनर को चेक करने का एक नियम बनाया गया है पुलिस ने कि आप कब, किस समय और कहाँ पर रहते हैं, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था है पुलिस विभाग में कि आपको जो सुरक्षा दी गई है, आपकी ड्यूटी कहीं लगाई गई है तो आप उस समय कहाँ पर हैं। अगर कोई मना करता है तो उसका पहला दायित्व है कि तत्काल अपने RI को या जो भी उसका इमीडिएट अफसर है उसको रिपोर्ट करे कि इन्होंने हमें मना कर दिया है ले जाने से साथ। तो क्या इन सब चीज़ों की जब जांच होगी तो बाकी सत्यता बाहर आएगी? ऐसे में ये संशय हो सकता है कि जानबूझकर या डिलिबरेट या वाकई परिवार ने मना किया हो कि इसे नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब तक मौके पर कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी जाँच नहीं करेगा तो ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि आखिर गार्ड या सुरक्षा थी कहाँ चली गई। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि यदि सुरक्षा नहीं थी तो जिन कारणों से भी नहीं थी वो कारण गलत हैं। इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा संशय, इतनी बड़ी एक घटना और उसके बाद से जो भी सुरक्षाकर्मी साथ में लगे थे, इस बात की गंभीरता को न लेते हुए बहुत हल्के में लिया उन्होंने जी। तो निश्चित रूप से जाँच करने पर वो दोषी ही पाए जाएंगे, उनमें से कोई बचेगा नहीं। ठीक है उमेश जी। मनीष जी, मैं जो उमेश जी ने बात की उसी बात को लेकर आ रहा हूँ, फिर अपना आदरणीय सर हस्तक्षेप, सर सर हस्त
जी अजयन जी बोलिए, आप अपनी बात अजयन जी जल्दी से कहिए जी। आधे मिनट में एक न्याय करा दीजिए, किसान दुर्घटना बीमा के जो पैसे हैं वो दिला दीजिए, पारिवारिक पेंशन दिला दीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका एक कमरा बनवा दीजिए, इनके घर में तो एक कमरा भी नहीं है, साथ में शौचालय बनवा दीजिए और पास्को एक्ट में चार्जशीट लग चुकी है, उसके 3 लाख रुपए मिलते हैं वो दिला दीजिए, इनका जीवन अभी कम से कम सुचारू रूप से चलने तो लग जाए, अपने घर में बाथरूम तो जाने लग जाए। ठीक है, जो आपकी बात सुनने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला है, वहां के बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो आपकी बात कम से कम उनके सामने हम रख रहे हैं। मनीष जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पीड़िता 33 चिट्ठियां लिखती अपनी सुरक्षा के लिए और वही सुरक्षा वापस कर देती है, वो अपने साथ नहीं लेकर जाती है, आप बताइए, आप भी इसी समाज में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कलेवर को उतार कर एक व्यक्ति के रूप में जरा आप सोचिए, क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति सुरक्षा मांग रहा हो वो वहां पर अपने साथ सुरक्षा लेकर ना जाए, इसके पीछे आपको डिजाइन नजर नहीं आती? देखिए राजकिशोर जी, मैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, जिन जिन विषयों को मैं रख रहा हूँ वो विषय हैं जो विभिन्न लोगों के बयान हमारे सामने आए हैं या जो पुलिस के बयान हैं। मैंने अपने चर्चा में ही इस बात को कहा जिसको उमेश जी ने रिपीट मात्र किया है, मैंने स्वयं कहा कि अगर कोई सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं जाता है मना करने पर, तो उनको अपने नियरेस्ट पुलिस लाइन पे इस बात को बताना पड़ता है कि हम क्यों नहीं गए हैं। अगर वो लोग अगर इस चीज़ को बता पाए होंगे, अगर इसकी सूचना उन्होंने पूर्व में दी होगी तो ठीक है, नहीं दी होगी तो उनके ऊपर हम सरकार कार्रवाई करेगी। मैंने एक बात कही कि दुर्घटना, एक दुर्घटना होने पे एक साथ इतनी कार्रवाई किसी सरकार ने किसी दुर्घटना के समय में की हो तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि दुर्घटना के पश्चात डीएम और कप्तान रायबरेली जेल जाते हैं, जो पीड़िता है उनके चाचा से जो तहरीर मिलती है उस तहरीर को 302, 307, 506, 120 में कायम करते हैं, 24 घंटे के अंदर सीबीआई जांच की संतुति होती है, सीबीआई जांच कर रही है, तो वो तमाम जो कदम हो सकते हैं कानूनी रूप से, और हमको लगता है कि वकील साहब भी बैठे हैं और आईपीएस है रिटायर्ड वो भी बैठे हैं, कोई सरकार इसके अलावा और कौन से कठोर कदम हो सकते हैं जो नहीं उठाए हो, हमको लगता है अगर हो तो जरूर बताना चाहिए। मनीष जी, मनीष जी, एफआईआर है, सीबीआई जांच की मांग थी उसको हमने कर दिया है, मनीष फोरेंसिक जांच इसलिए कराई गई, राजकिशोर जी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड, फोरेंसिक जांच इसीलिए कराई गई है कि घटनाओं के बाद हालात यहां तक क्यों पहुंचे, सरकार ज्यादा काम आते हैं। मनीष जी, सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ होती दिखाई पड़े, ऐसी सरकार को रहने का क्या हक है? ये आप ही के शब्द हैं, आप ही के बयान हैं जब आप विपक्ष में होते थे, और आपकी बात पर सरकार किंकर्तव्य विमूढ़ दिखाई पड़ रही है, पूरा परिवार का परिवार साफ हो जाता है, उस लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जो सवाल अजेंद्र अवस्थी ने उठाया कि भाई एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान क्यों नहीं मिल जाता है, पोस्को के तहत उसको क्यों नहीं मिल जाता, क्योंकि सत्ता तंत्र के खिलाफ वो लड़की लड़ाई लड़ रही है, उसके परिवार को इसलिए सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको कमजोर कर दो, इतना प्रताड़ित कर दो कि न्याय के लिए वो लड़ ही ना पाए, ऐसा आपको नहीं लगता? ये आपको डिजाइन नहीं नजर आ रही पूरी इसके पीछे? देखिए देखिए देखिए, अरे राजकिशोर जी, हम और आप निरपेक्ष डिबेट कर रहे हैं जी, अवस्थी जी एक पक्ष के वकील हैं और उनका धर्म है अपने पक्ष की बात को कहना, हम आप यहाँ निरपेक्ष रूप से, हम तो इसलिए बैठे हैं यहाँ कि सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं और हमारी पार्टी ने कौन से कदम उठाए हैं, आपके चैनलों के माध्यम से व्यूअर्स को पता चले, और वकील साहब एक पक्ष के वकील हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने किन इश्यूज को उठाया है, कहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की है, आवास योजना के क्या क्या नॉर्म्स हैं, को ऐसी तकलीफ वाले को तो आप भी संज्ञान में लेकर पहुंचा सकते हैं कोई भी चीज, जरूरी नहीं होता कि वो चिट्ठी पत्री, वो मरी हुई आपको चिट्ठी देने आएगी क्या, उसका पूरा परिवार घायल पड़ा है, 2 लोगों की मौत हो गई है, वो चिट्ठी लेकर घूमेंगे क्या? मनीष जी, आप संज्ञान नहीं ले सकते क्या? आप यहाँ पर राजकिशोर जी के माध्यम से, एबीपी गंगा के माध्यम से नहीं कह सकते, मैं पहुंचाऊंगा उनको सारी मदद। आप लोकतंत्र में आप अपनी बात को कह सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके इमोशन से इतर हमारे इमोशन है, किसी की भी आवाज सरकार के नाते जो कदम है उस कदम को तो मुझे बताना है। चलिए ठीक है, अजेंद्र अवस्थी जी, मैं आपसे कह रही हूँ यही राजकिशोर जी के कार्यक्रम के माध्यम से ही कह दीजिए, हाँ हम पीड़िता को जो भी मदद हो सकेगी पहुंचाएंगे। ये बात
हम लोग परसों से जहां जिस चैनलों पे गए हैं, हम और हमारी सरकार पीड़िता के साथ है। हमने विधायक और उनके पूरे परिवार को जेल में डाला है। हमने दो दो सीबीआई जांच की संतुति की है। हमने दो दो सीबीआई जांच की संतुति की है। ठीक है मनीष जी। और सबनम खान जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको अगर ध्यान में हो तो बताइए। एक दुर्घटना में मैं आपके पास ही आ रहा हूं, बस उसके बाद फिर जितेंद्र जी और राजन जी के पास जाऊंगा मैं। सामाजिक कार्यकर्ता है, ढेर सारे केसेस आए, तो आप एक बार बताइए। सेंगर पे भी तब एफआईआर हुई है जब हम सब लोग सड़कों पे उतर के हम लोगों ने आवाज उठाई है और मीडिया एक बड़ा माध्यम बना है, तब एफआईआर हुई है। याद कर लीजिए, मैंने पूछा तो त्वरित कार्रवाई वाले हैं आप कि एक दुर्घटना में इतने कड़े कदम अगर कभी भी किसी सरकार ने किसी भी केस में उठाए हो, किसी भी दुर्घटना में उठाए हो, तो आप बता सकती हैं। ठीक है अजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं से अपनी बात कहें, फिर हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं और राजेंद्र जी भी हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राजेंद्र जी जल्दी से। मनीष भैया, झूठ झूठ और झूठ, ये बहुत बढ़िया बात होती है आपको, मैं छात्र जीवन से जानता हूँ, आप बहुत योग्य आदमी हैं। अरे कुछ तो दे देते। मैं इसी मंच से अपनी शबनम बहन तुमसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। शबनम बहन जी, वकील साहब, शबनम बहन, मेरी शबनम बहन जी, इनसे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। झूठा लेना झूठा देना, तुम मेरा मेरी बहन एक छोटा सा काम कर देना कि वहाँ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में पीड़िता की परिवार की 3 महिलाएं और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और ये लोग पहले दिन घर से जो कपड़े पहन कर गए थे उन्हीं पहने हुए कपड़ों में हैं। मेरी बहन, तुम भगवान के नाम पर इनको 2-2 जोड़ी कपड़े आज खरीद के दे देना, एक चादर एक अंगोछा उनको दे देना। इनकी बातें छोड़ दो, ये कुछ नहीं देंगे, हवा में ही रहेंगे। बहन तुम इतना काम आज कर देना। चलिए जैन जी, कुल मिला के मनीष जी, मुझे लगता है जब इस तरीके की बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ आपकी सरकार पर नहीं, पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात होती किन परिस्थितियों में कौन रह रहा है। जितेंद्र यादव जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव या तमाम लोग जो मनीष जी, मैं आऊँगा एक मिनट थोड़ा सा, जितेंद्र जी हमारे पास बहुत देर से हैं, मैं आऊँगा मनीष जी आपके पास एक मिनट, चूँकि बीच में इसलिए आना पड़ रहा है जी कि राजकिशोर जी बोले, सरकार ने मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री किया है, उन लोगों के रहने की व्यवस्था की है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय विद्वान अधिवक्ता इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोर्ट में अपने फेवर की बात की जाती है। देखिए, जो कदम सरकार ने उठाए हैं, कम से कम उसको मत झुठलाइए मनीष जी। बाकी हमारी सरकार पीड़िता के साथ है, हम लोग पीड़िता के साथ हैं, और पीड़िता के साथ न होते तो एक दुर्घटना में जिसकी जांच अभी नहीं हुई है, मनीष जी जिसको आप दुर्घटना कह रहे हैं, छोटी धाराएं नहीं होती वकील साहब, आप इस पे ये तो आप जानते ही होंगे मनीष जी, और आपका लंबा अगर इतिहास है वकालत का, आप तो वकालत से जुड़े हैं। ठीक है मनीष जी, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। जांच नहीं कम्प्लीट है, इस तरह के धाराओं में FIR कब हुई है जी? जी अजयन जी बताइए जल्दी से, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप अजयन जी? सबसे पहली बात, इस डिबेट में मैंने ये अनुभव किया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने इस मसले को संज्ञान में लिया है। ठीक है, मैं वहाँ पर मौजूद था। ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत ये स्पष्ट करता है उसने अपने एटीएम से पैसे निकाल के इलाज कराया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस अधिकारी सभी उत्तर प्रदेश हो रहा है। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता जी, आप जरा खामोश हो जाएं, काफी लंबे समय तक आपने नहीं, अजेंद्र अवस्थी बोल रहे थे, जितेंद्र जी अजेंद्र जी बोल रहे थे, आप बोलिए बोलिए, हम लोगों को भी कहने दे। हाँ जी बोलिए जितेंद्र जी, वो अजेंद्र अवस्थी जी कह रहे थे, मनीष जी नहीं बोल रहे थे, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इस, हाँ अच्छा 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 अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये घटना जो है इस देश में, इस घटना से ये पूरा देश हतप्रभ है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश में यह संदेश दिया कि मैं राम राज्य लाऊंगा, उस राम राज्य वाली पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जहां भगवान श्री राम का रामलला का जन्म हुआ है, उस उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य चल रहा है, उस राम राज्य में जितेंद्र जी, जितेंद्र जी मैं माफी चाहता हूं, मैं इस मसले पे, इस मसले पे मैं राजनीति नहीं चाहता हूं और ना किसी राजनीति के। मैंने अगर मनीष शुक्ला को भी बैठा लिया तो इसलिए कि सरकार का पक्ष सामने आ सके, चूंकि सवाल सारे उनकी तरफ उठ रहे हैं, आप पर भी कुछ सवाल जरूर है। जो बात अभी अजेंद्र अवस्थी जी कह रहे थे और जो बात शबनम जी कह रहे थे, एक सेकंड, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो पहले आपकी पार्टी में थे, आपकी पार्टी से शायद अगर वो आपकी पार्टी में होते तो जैसे आजम खान के साथ
आपकी पूरी पार्टी खड़ी हुई है, शायद उनके साथ भी आप खड़े होते। खैर अभी आपकी पार्टी में वो नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल ये ज्यादा जरूर है कि जो बात अजेंद्र अवस्थी कह रहे थे, पीड़िता के परिवार के पास कपड़े नहीं है, उनकी मदद के लिए कोई नहीं है, टीवी चैनल पर आकर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, तो आखिर उसके साथ सड़कों पर जाकर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? सड़कों पर संघर्ष क्यों नहीं हो रहा है? सड़कों पर संघर्ष क्या तब होगा जब सीधे सीधे यादव परिवार के खिलाफ कोई हमला बोला जाएगा या उनके ऊपर कोई बात होगी? अगर उनके किसी मतलब किसी आम आदमी के साथ ऐसी कोई घटना होती तो सिर्फ टीवी पर बयान देकर पीड़िता के साथ पूरा देश है, और यह पूरा देश पीड़िता के इस दर्द से, इस पीड़ा से, इस संकट से मरमाहत है। ये कहना कि पीड़िता के साथ और पीड़िता को कोई मदद नहीं करने वाला है, मैं समझता हूँ कि हर भाई जो लखनऊ में बैठा है, जो इस देश में बैठा है, वो तत्पर है। मैं अपने तरफ से तत्पर हूँ, जो मदद हो, हर संभव मदद हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी लखनऊ में हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो है सक्षम है, और भरसक लोग सहयोग करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि पीड़िता के साथ न्याय हो, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मुझे आशा है कि CBI निष्पक्ष तरीके से जाँच करके न्याय दिलाने का काम करेगी और एक संदेश देना चाहेगी। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जंगल राज है पूरे प्रदेश में, चाहे सोनभद्र की घटना हो या ये उन्नाव की घटना, ये इससे साबित होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ठीक है जितेंद्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जी भी हैं। राजेंद्र जी, काफी देर से आपके पास आ पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए। राजेंद्र जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? मतलब मैं इसमें ज्यादा आपसे कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, पूरी डिबेट आपने सुन ली है। सरकार, जो बात मनीष शुक्ला कह रहे हैं, जो बात अजेंद्र अवस्थी जी भी कह रहे हैं, उमेश सिंह जी ने भी कही और सपना जी ने भी कही, क्या इसके कौन सा पहलू है? मतलब इस पर अभी सिर्फ इसको कानूनी और तकनीकी पहलुओं से इसको आंका जाए, ये पूरे समाज के लिए सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह नहीं है, सरकार के लिए प्रश्नचिन्ह नहीं है ये? ना, कानूनी से ज्यादा सामाजिक पहलू है जी। सामाजिक पहलू ये कि जो आपने कहा था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, एक ये घटना, ऐसी और भी घटनाएं होती हैं जब कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ कोई दबंग आदमी हो तो तंत्र जीतता है, लोग हार जाते हैं जी। यहां भी इस लड़की की FIR तब होती है जब ये लखनऊ में आके आत्मदाह की कोशिश करती है। उससे 1.5 साल पहले की घटनाओं में एक तरफा इसके परिवार का उत्पीड़न हुआ, और आप याद रखिए कि ये महेश सिंह जो जेल में है, इनका परिवार और विधायक का परिवार एक जमाने में काफी नजदीकी था, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। लेकिन जब उत्पीड़न इतना बढ़ गया, आपसी मतभेद मनमुटाव होने के बाद, कुछ सियासी कारण थे, कुछ दूसरे कारण थे कि एक तरफा उत्पीड़न, और इस लड़के के फादर को जो वकील साहब कह रहे थे इतना मारने के बाद जेल भेजा गया था, और जेल भेजने से पहले डॉक्टर ने लिख दिया कि ही इज फिट, स्वास्थ्य परीक्षण ने किया, जेल में गए गंभीर बीमार हुए, बाहर आए मौत हो गई, यानी वो एक तरह से कस्टोडियल डेथ थी। इतना उत्पीड़न, और वाकई दुखद है, और मैं तो कहूंगा कि व्यवस्था जो हमारी है, ये व्यवस्था पे एक करारा तमाचा है ये केस। आज तो चूंकि हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं सारा इसलिए लाइमलाइट में कि चूंकि पहले से केस चल रहा था, एक विधायक आ गए सामने, वरना इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। बिल्कुल, अभी भी सरकार के नुमाइंदे ट्रॉमा सेंटर में राजधानी में होते हुए तब गए जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग वहां जाके डेरा डाल दिया, लगातार वहां रहे, धरना दिया, इसके बाद ये जागे। इसके बाद अगले दिन जब प्रियंका ट्वीट करती, उसके तत्काल बाद इनके एक मिनिस्टर जाती हैं, एक अधिकारी जाते हैं, अगले दिन फिर डिप्टी CM जाते हैं, यानी कि जब घटना हुई रायबरेली से लेकर यहां आने के 48 घंटे तक बिल्कुल संवेदनहीनता दिखाई देती है। बिल्कुल हाँ, पहले दिन रात को 11 बजे CBI जांच के आदेश हुए, वो देश भर में मामला इतना ज्यादा गर्मा गया था कि वो, और पुराना इतिहास जुड़ा हुआ रेप और सारी परिवार की पहली हत्याएं, गवाह की हत्या, कि वो रात में ही फिर आदेश किए, चिट्ठी लिखी और CBI जांच को दिया। तो निश्चित तौर पे पूरी घटना हम सब लोगों को सोचने के लिए विवश कर रही है कि हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सब लोग कहते हैं लोकतंत्र में है, लेकिन लोक हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। एक दबंग के सामने, एक प्रभावशाली व्यक्ति के सामने, एक सत्ताधारी व्यक्ति के सामने। ठीक है मनीष जी, फिर यही सवाल देखिए, आपने जो बात कही कि आपने कहा कि अजेंद्र अवस्थी जी तो पीड़िता के वकील है, वो कोर्ट में अपना केस रख रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी को या मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है कम से कम, तो चलिए मैं तो मॉडरेट कर रहा हूं, लेकिन राजेंद्र सिंह जी आपके बगल में ही बैठे हुए, वहां पर लखनऊ में ही है, उन्होंने जो बात कही कि पहले सपा के लोग पहुंच जाते हैं, कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं, जबकि ये शासन की जिम्मेदारी थी, और वो
शासन से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे थे, उसके बाद भी उनके साथ ऐसी दुर्घटना घट जाती है और रेप पीड़िता थी, उसके साथ न्याय होना तो दूर, वो अब जिंदगी मौत से संघर्ष कर रही है, तो इसके लिए आपको क्यों इंतजार करना पड़ता है कि आपके खिलाफ आंदोलन चले? जब सड़कों पर राजनीति आती है तब लखनऊ में जहां पर आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जहां पर आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पूरा लाव लश्कर बैठा हुआ है, तब आप वहां पर जाते हैं, क्यों? नहीं, दुर्घटना के तुरंत बाद घटना जेल में डीएम और कप्तान गए थे रायबरेली जेल में, तब तक कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं गया था, उनको रायबरेली लाने की व्यवस्था प्रशासन और शासन ने की थी। वहाँ ट्रामा सेंटर में एडमिट कराने से लेकर सारी मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ शुरू हो गया था। जिस दिन घटना घटी थी उसके अगले दिन स्वाति सिंह वहाँ गई थी, साथ ही साथ उसके अगले दिन ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी गए थे। इसी बीच में सबसे पहले घटना होते ही फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए गए थे, इस बात को बार बार काट दिया जा रहा था, 30 सेकंड दीजिएगा, फॉरेंसिक जांच कितनी आवश्यक है ऐसी घटनाओं में, दुर्घटनाओं में, ये हमको लगता है कि जो भी कानून का जानकार होगा उसको पता होगा, चूंकि इस तरह की दुर्घटनाओं में कभी कभी साक्ष्य नहीं मिलते, उस समय सबसे बड़ा आधार यही होता है दोषी को पकड़वाने का, दोषी को दंड दिलाने का। तो हमारे मन में अगर तनिक भी संदेह होता तो हम फोरेंसिक जांच क्यों कराते, उसकी मांग तो किसी ने की नहीं थी। मनीष जी कुल मिला के डीएम जा रहे और सीबीआई जांच के पहले हमने इसकी घोषणा कर दी थी, सीबीआई रात 11 बजे हुई है, ठीक है, ये दिन में ही हो गई थी। चलिए मनीष जी, मैंने मान लिया है सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने सीबीआई जांच कर ली, ठीक है, पीड़िता के परिवार को नहीं बचा पाए, पीड़िता को नहीं बचा पाए, लेकिन ये सरकार की उपलब्धि है कि आपने दोबारा सीबीआई जांच कर दी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या था कि डीएम और एसएसपी अगर चले जाते हैं तो ये उनका क्या दायित्व नहीं था? इसको भी आप अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाएंगे? ये तो उनका काम था। सवाल ही हो रहा था कि सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार कितनी, क्योंकि आपका सवाल था, चूंकि आपका सवाल था कि प्रशासन शासन क्या कर रहा था, इसलिए मैंने जवाब दिया, और सारे सवालों का जवाब इसलिए दिया कि चूंकि आपने सवाल पूछा है, जी हमारा कर्तव्य है ये हम मानते हैं, लेकिन चूंकि आपका अगर सवाल आएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्या क्या किया सरकार ने उस समय। मैंने सवाल ये पूछा था कि सरकार के नुमाइंदे जो आपके बाद में पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे? राजेंद्र सिंह जी, हाँ कुछ कह रहे हैं राजेंद्र जी आप। मैं एक बुनियादी बात ये फॉरेंसिक जांच की उठा रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी इतनी बहुत आगे बढ़ गई कि शहर में छोटी छोटी घटना होती है फॉरेंसिक टीम जाती है, कोई मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, रायबरेली में ट्रक को हटा के डिसलोकेट कर देते हैं 200 मीटर दूर, गाड़ी डिसलोकेट हो जाती है, 24 घंटे बाद फॉरेंसिक टीम जा रही है। नहीं, गलत है। तो मेरी आपत्ति है। नहीं, फॉरेंसिक मेरी आपत्ति, फॉरेंसिक टीम उसी समय रायबरेली की जो त्रिपाठी लखनऊ से जो टीम गई है राजधानी, उसके बाद लखनऊ से भी टीम भेजी गई। नहीं नहीं, आपकी बात मनीष जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है सरकार का पक्ष रखना, ना आपकी ड्यूटी आप रखेंगे, आप अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन फॉरेंसिक जांच पे बहुत जोर दे रहे हैं। हर छोटी घटना पे, एक छोटा सा मर्डर हो जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाए, 15 मिनट बाद यहाँ हमारी फॉरेंसिक टीम यहीं से जाती है, एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ भेजा, अच्छी बात है, तो वो लेकिन हमारी राजधानी की फॉरेंसिक टीम जो एक्सपर्ट जिसमें ज्यादा लोग थे वो 24 घंटे बाद गए हैं, जब ट्रक भी डिसलोकेट हो गया, गाड़ी डिसलोकेट हो गई, घटना स्थल से जब कह रहे थे कि फिसल के ट्रक गया है उधर रॉन्ग साइड में, उसके बाद गया है, खैर वो तो अलग था। दूसरी बात ये कि जो वकील साहब भी उठा रहे, सबनम जी ने भी उठाया है कि वाकई वो परिवार, हमारे जो साथी लोग वहां गए हैं उनकी सूचना के वाकई वो परिवार संकट में है। उमेश जी, मदद कुछ की है कुछ समाजवादी पार्टी ने, कुछ दूसरे लोगों ने, लेकिन चेक वगैरह देने में बड़ा सिस्टम होता है, तो जो तात्कालिक मदद सबनम जी उठा रही हैं वो उन्हें शायद, मुझे लगता है कि तात्कालिक कुछ मदद की जरूरत है, ऐसी मदद की जो रोजमर्रा की उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। ठीक है उमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वाकई आपको लगता है कि इस पूरे मसले पर जिस तरीके से प्रशासन शासन को, पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी की गई, सीधे से सब आप दीजिए, क्योंकि अब आप इस समय किसी नौकरी में नहीं है तो आपके ऊपर तो कम से कम किसी तरीके का दबाव नहीं है, और आपका जिस तरीके का कैरियर रहा है तो आपसे मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ गोई की अपेक्षा करता हूं। देखिए, मैं इस पे आपके प्रश्न पे जरूर उत्तर दूंगा, उसके पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये सारी डिबेट हमारी जो चल रही है ये किसी एक घटना को लेकर के चल रही है, लेकिन जो जड़ में हमारी समस्या है
हम ऐसे लोगों को चुनकर के क्यों भेज रहे हैं, हम ऐसे लोगों को अपने पार्टीज में क्यों रख रहे हैं, हम दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? कौन सी ऐसी जरूरत पड़ रही है जिसे ऐसे खतरनाक लोगों को अपनी पार्टी में लेकर के उनको चुनाव जितवा करके और फिर उनसे इस तरह के घटनाकारित हो जाए, फिर हम सफाई देते फिर लगातार सफाई का ये जो चल रहा है कार्यक्रम कि हम एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और फिर सफाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? क्या ऐसे अच्छे लोग खत्म हो गए हैं जिनकी वजह से ये राजनीति अच्छी नहीं हो सकती? जी, जी, ये सवाल शुरू में मैंने मनीष से पूछा था। पुलिस की बात निश्चित रूप से जी। अब आती है पुलिस की कार्रवाई की बात, तो निश्चित रूप से पुलिस का जो फौरी एक्शन होता है, तत्कालिक एक्शन होता है, उन्नाव में भी फोरेंसिक की टीम होगी और अगर वहां से कम थी तो लखनऊ से बुलाया गया होगा। जहां तक मेरा मानना है लोकल स्तर पर पुलिस ने निश्चित रूप से कुछ चीज कमी पाई होगी, तभी लखनऊ से फोरेंसिक टीम बुलाई गई ताकि जो भी साक्ष्य रह गए हों उनको और इकट्ठा किया जाए, क्योंकि उस साक्ष्य को छुपाने या हटाने में लोकल पुलिस का आज की डेट में जब पार्टी उस विधायक का साथ नहीं दे रही है तो लोकल पुलिस साथ क्यों देगी, पहला प्रश्न उठता है। तो मेरे विचार से कोई भी उसको साथ देने की बात नहीं है, यदि गलत है तो निश्चित रूप से पुलिस भी पूरी तरह से उसमें छानबीन कर अजयन जी सत्यता पे पहुंच जाए। अजयन जी आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, बात है कॉल डिटेल निकालना जी, जी। वो ट्रक कहां से चली आज, मैं आखिरी कमेंट अजयन जी से ले लूं, मैं माफी चाहूंगा, समय अजयन जी क्यों आई? आपको लगता है कि जो बात उमेश जी कह रहे हैं कि पुलिस पूरी तरीके सतर्क है, सत्ता पक्ष उसका साथ नहीं दे रहा है, तो अब आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है? भाई साहब मैं वकालत के पवित्र पेशे में हूँ, कानून का विद्यार्थी हूँ, अंधा देखे तब पाए, अरे इन बच्चों को एक शौचालय दे दो, इनको प्रधानमंत्री आवास दे दो, इनके पास्को के पैसे दे दो, इनको किसी किसान दुर्घटना बीमा के पैसे दे दो, आपको मैं बता दूं आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये जो पीड़िता की माँ है, सरांदरी का कोई जरिया नहीं है, सर ये बगल के घर से गोबर मांग के लाती है। ठीक है, कुल मिला के देखिए ये जो चर्चा है इसके कानूनी पहलू ज्यादा, सामाजिक पहलू इसमें ज्यादा थे, और अभी आप सभी अतिथियों से मैं माफी चाहूंगा, चूंकि चर्चा संवेदनशील थी, मैं समझ सकता हूँ कि हर व्यक्ति बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय हमारे पास इतना था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं कह सकता हूँ कि इस चर्चा से जो राजनीति कर कर आती है वो ये है कि उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे में सीधे सीधे साजिश की बू आ रही है। तमाम सरकारी एजेंसियां, प्रशासन और सरकार की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। ऐसे में सिर्फ आरोपी विधायक की नहीं, सिस्टम से जुड़े हर उस शख्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक मिसाल बने। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक बेटियों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, और ऐसे में एक बेटी के साथ इतनी घिनौनी साजिश जिसमें आरोपी भी भाजपा विधायक ही है, पार्टी को भी चाहिए कि ऐसे विधायक को फौरन पार्टी से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाए। सीबीआई को भी ऐसे मामले में तेजी से कार्रवाई करके इंसाफ की मशाल को बुलंद करना चाहिए। आज के लिए राजनीति में बस इतना ही। एक बार फिर आप दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया आपके प्यार और भरोसे के लिए। कल फिर हम हाजिर होंगे सियासत की नई इबारत लेकर, तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। We'll be right back.